evening and welcome to show Third Opinion by Mr. Bashani, and I'm your host, Jasleen. Viewers and Mr. Bashani, I do have one question in regards to there were some tapes on Earth showing what's happening. Kashmir people are getting paid to, I guess, create some sort of violence. Can you please tell us what it's about, who's paying what and for who to create this kind of issue that's been going on in Kashmir so far? थैंक यू जासलीन. ये जो है वो इशू ये है कि जो एक टीवी है इंडिया का, जिसके लोगों ने एक अंडरकवर ऑपरेशन जिसको कहते हैं, दे प्रीटेंडेड लाइक ए लॉबीस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो कुछ कश्मीरी जिनके बारे में ज़ाहिर है उनको इतला मिली होगी या शक हुआ होगा कि दे जो है कैन गेट पेड टू क्रिएट वायलेंस, तो उनके उन्होंने इंटरव्यू किए उस टेप्स पे जिसमें कि बाकायदा उन्होंने उनसे बार्गेनिंग की, कि ज़ाहिर है उन्होंने ये पोज़ किया कि हम कोई लॉबीस्ट हैं एंड वी नीड सम पीपल इन कश्मीर एंड वी आर विलिंग टू पे देम सो दे कैन क्रिएट डिस्टर्बेंस वायलेंस एंड अनरेस्ट. ठीक है, तो उन्होंने तीन लोगों की जो है ना ये टेप्स जो उनको दिखाया है मीडिया पे, जिसमें कि एक बंदा है रियल स्टेट एजेंट, एक बंदा है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, इसी तरह एक और बंदा है. ठीक है, तो उन्होंने ओपन जो है पूरा मसला रखा. एक ने कहा कि हमें 2 करोड़ रुपया दो तो मैं जो है इतने दिन तक जो है वो कंटिन्यूसली अरेंज करूंगा इतने बंदों को जो एवरी सेकंड डे या थर्ड डे जो है श्रीनगर की सड़कों पर निकलेंगे, पत्थर फेंकेंगे, गोलियाँ भी खाएँगे अगर पुलिस जस्ट इनकेस गोली चलाती है, और मार दाड़ भी कर सकते हैं. एक ने कहा कि जी मैं जो है वो स्कूलों को आग लगवा दूंगा, प्रॉपर्टी जो है वो जलाने का है. एक ने कहा कि मैं जनाब जो है वो 20 लड़के वायलेंस के लिए रोज़ लेके आऊँगा. तो एक इनकी जो डिमांड है वो 1 करोड़ कम अज़ कम और 2 करोड़ से ऊपर. ओके, ठीक है. अब इस पर डिस्कशन इसलिए हो रही है कि सारा ऑन टेप है, दोज पीपल दे आर आइडेंटिफाइएबल, और वो जो मटेरियल है उसकी फॉरेंसिक जो है वो स्टडी की जा सकती है. तो इसमें कोई फेक ऑपरेशन नहीं है ये, बल्कि ये एक रियल ऑपरेशन है जो मीडिया ने किया. अब ये जो है ठीक है, उन्होंने अपना जो जर्नलिस्टिक जो भी उनका तो सिलसिला था वो उन्होंने किया, लेकिन इस पर जो अब बहस शुरू हो गई है वहाँ पर, इस वो बड़ी अजीब है कि जी ये कैसे, एज ए इफ पीपल इज शॉकिंग, दिस इज रियली डिस्टर्बिंग, वेरी अनसेटलिंग टू सी कि इस तरह जो है वो लोग मौजूद हैं और उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो एक सोसाइटी के अंदर इस तरह की डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं. इज़ वेरी अनसेटलिंग फॉर मी, बट आई एम नॉट वेरी सरप्राइज एट ऑल, नॉट वेरी, आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल. उसकी वजह यह है कि इसी शो में हम कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं. पिछले साल जबकि गालिबन इस शो में या हमारे दूसरे थर्ड ओपिनियन में जो है रावल टीवी पे, कि जब वहाँ सिचुएशन डिफरेंट थी, देर वॉज़ नो क्वेश्चन ऑफ 370 आर 35A आर ये जो जदीद अनरेस्ट है इसका अभी कोई सवाल नहीं था, एक डिफरेंट सिचुएशन थी. पत्थर चल रहे थे डेली बेसिस पे श्रीनगर की सड़कों पे, कुछ बच्चे मारे जा रहे थे, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था, इस पर हमने कई प्रोग्राम किए. तो उसमें हम बार बार ये बात अर्ज कर रहे थे, यानी सरहद के इस पार बैठ के फिज़िकली, तो अगर हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, और 3 साल पहले थी कि हम कह रहे थे कि ये बच्चे जो हैं जो पूरा दिन पत्थर मारते हैं, शाम को इनको नकद पैसे देते हैं जी, और पैसे इसी तरह के लोग हमने पिन पॉइंट किए थे जिसमें नंबर वन वहाँ के टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स, और उनका एक नेटवर्क चल रहा है. और मैंने कहा था कि ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है, ये उसके पीछे बैठी हुई है. और उन्होंने एक नया पैंतरा बदला है कि पहले ये था कि मिलिटेंसी है तो उसमें उनको एक इंटरनेशनल प्रेशर आ गया कि देर इज़ नो रूम फॉर मिलिटेंसी एट ऑल, तो उन्होंने फिर उसको कन्वर्ट किया, उन्हीं वसाइल को और वही जो उनके रिसोर्सेज हैं उन्होंने उनको कन्वर्ट करके तो लड़कों को सड़कों पर ले आए कि आप पत्थर मारें. हालांकि मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि पत्थर मार रहे हैं और गोली मार रहे हैं में कोई फ़र्क नहीं है, बुनियादी तौर पर दोनों वायलेंस के ज़ुमरे में आते हैं, और दोनों के नताइज में फ़र्क हो सकता है कि गोली से बंदा मर जाता है, पत्थर से मुमकिन सिर्फ ज़ख्मी हो, कभी मर भी सकता है, लेकिन ये एक ही टैक्टिक है, इज़ अ यूज़ ऑफ फोर्स है,
और ये यूज ऑफ वेपन है दोनों किस्मों में. तो मैं ये कह रहा था कि इसको आप इतने जो है वो पीसफुल ना कहें. पीसफुल ये नहीं होता. पीसफुल वो होता है जहाँ इन ए गिवन सिचुएशन आवाम सड़कों पे आएँ और वो सड़कों पे बैठ जाएँ, सड़कों पे लेट जाएँ या सड़कों पे खड़े होके तो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका इजहार करें, तकरीरें करें, जुलूस निकालें, जलसे करें और उसमें कोई पत्थर, कोई गीटा, कोई इस तरह की चीज़ जो वेपन है वो यूज़ नहीं होना चाहिए. दैट्स कॉल्ड ए पीसफुल मूवमेंट. सो डोंट कॉल दिस ए पीसफुल मूवमेंट. दिस इज नॉट ए पीसफुल मूवमेंट. दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ वायलेंस. ठीक. एक और दूसरा मैंने ये कहा था कि ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इन लोगों को जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं और उन लोगों के क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं. ज़ाहिर है हमें चैनल का पूरा पता तो था और इसी बुनियाद पे हम ये कहते थे कि कोई आज़ादी की तहरीक जो पैसे दे के तो आप किसी से तकरीर करा रहे हों या पत्थर मरवा रहे हों या जुलूस निकलवा रहे हों वो आज़ादी की तहरीक हो ही नहीं सकती. वो एंटी आज़ादी यानी उसके उलट तहरीक ज़रूर हो सकती है लेकिन वो आज़ादी की तहरीक नहीं हो सकती. सेकेंडली कोई काम जो है वो किसी दूसरे फॉरेन फोर्सेस से फंडिंग लेके तो अपने लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश में शरीक होती है, किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा बनती है तो वो जो है आज़ादी की तहरीक नहीं हो सकती. ठीक है. तो इस रेफरेंस में हमने ये इशू उठाया था कि ये चीज़ वहाँ पर मौजूद है और बड़े पैमाने पर मौजूद है. ये फाइनेंसिंग बाहर से हो रही है, इसके डिफरेंट रूट्स हैं. कोई बाहर इस्लामिक कंट्रीज़ में जो लोग हैं उनके थ्रू पैसे जा रहे हैं, कोई नेपाल के थ्रू जा रहे हैं, कोई इंडिया के अंदर से लोग ले जाके वहाँ पे पैसे दे रहे हैं और वो पैसे बाहर से आ रहे हैं और स्पेसिफिकली फ्रॉम दी पाकिस्तानी साइड. पाकिस्तानी साइड पे उसके मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, उसमें चंदे ओपनली हो रहे हैं. फंडामेंटलिज़म का जो उबार है और उसके पीछे जो बड़ी बड़ी बाय सरकुफ्तें बैठी हैं उनकी तरफ से हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से हैं. तो ये एक मल्टीपल किस्म के सोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके कश्मीर को ख़राब किया जा रहा है. अब इस पे मैं लफ्ज़ में जो यूज़ करता था वो था इरिटेंट, कि यू आर ओनली थिंग यू आर डूइंग इज़ क्रिएटिंग इरिटेंट फ्राम इंडिया, यू आर नॉट गेटिंग एनी आज़ादी, या ये कोई क्वेश्चन नहीं. तो मुझे हैरत लोगों को इस बात पर है कि ये प्लाट पकड़ा गया. मुझे हैरत तो इस मीडिया पर है कि ये अपने आपको मीडिया कहता है और इसको इस बात का आके अब पता चला 2019 में, जिस पे हम 20 साल से मुसलसल हर रोज़ ये कह रहे हैं कि ये बात है. वो कहते हैं जी ये देखे कैसे हो गया जी, ये तो पैसे बाहर से आ रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग न्यू? दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी. और उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा करके, ये स्टिंग ऑपरेशन करके तो इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी. जो कोलम्बस वो कौन था जिसने अमेरिका को जो है दरियाफ्त कर लिया था. तो इस पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक बात. और मैं बुनियादी तौर पे चूँकि इसको इस नुक्ता नज़र से देखता हूँ कि ये जो कुछ कश्मीरियों के साथ हुआ है, ये मैं बार बार ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये इसलिए हुआ है कि उन्होंने एक साजिश का हिस्सा बने हैं. दे बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए कंस्पिरेसी अगेंस्ट देमसेल्फ. तो इसका तो एक लंबा फिर एक बाब है जिस पे अगर हम गुफ्तगू करें तो उसके लिए कई घंटे हमें चाहिए. लेकिन उसका मुख्तसर हम ये कहते थे कि देखें, बात यह है कि जब उन्होंने आज़ादी के नाम पे आज़ादियां सलब करनी शुरू कर दी, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर फ्रीडम बट यू आर डिनाइंग फ्रीडम टू द सेम सोसाइटी वेयर यू आर आस्किंग फॉर फ्रीडम, देन दिस इज़ ए कंट्राडिक्शन. दैट मीन्स आइदर यू आर नॉट क्लियर कि आप चाहते क्या हैं या फिर ये है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं. तो मुझे दूसरी बात जो है वो ज़्यादा दुरुस्त लगती थी फ्रॉम डे वन. और मैं इसकी मिसाल दे चुका हूँ कि देखें, ये जो कुछ इंडिया ने किया है आपने उसको घेर घूर के तो ऐसा करने पे मजबूर किया. एंड आई मीन ये जो एक्ट हुआ है अगस्त फोर्थ का 2019 में, जब मोदी साहब ने ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, 370 ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया, तो इसके पीछे मैंने कहा कि ये हिस्ट्री है. चूँकि एक हिस्ट्री तो वो है जो हम रोज़ बयान करते हैं कि ठीक है जी 47 में कश्मीर तकसीम हो गया था. तो उसके बाद कुछ लोगों ने मुस्तकिल ये धंधा खोल लिया कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराना है, बग़ैर ये देखे कि जम्मू कश्मीर का मौजूदा स्टेटस क्या है. यानी जिस वक्त आज़ादी का ये नारा शुरू हुआ था एंड दैट वॉज 1947 राइट आफ्टर दिस डिस्टर्बेंस, तो कुछ लोगों ने आज़ादी का ठेका जो है वो उठा दिया. थैंक यू मिस बशानी, आई एम गोना होल्ड योर थॉट राइट देयर. वी आर प्लीज टू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक.
natural sweetener. Flavor All. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor All by Greenish. Flavor All from Greenish. Now available at Rexall Pharmacies. Welcome back, viewers. Ms. Bashani Rugana gave us an example of how there were certain groups that want to, I guess, you know, give freedom. उसमें जो है ना हम बार बार ये चुके जिक्र कर चुके हैं and unfortunately we have to revisit that time and again. उसकी वजह यह है कि लोगों का या हाफसा कमज़ोर है या उनको ये बात समझना नहीं चाहते कि देखें हम ये कहते हैं कि जब ये तकसीम हुई थी तो दो तरफ जो जम्मू कश्मीर है उस तरफ और आज़ाद कश्मीर इस तरफ वहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी प्रिवेल कर रही थी यानी जस्ट आफ्टर द पार्टीशन जो सेटअप बना उस तरफ जो सेटअप था वो शेख अब्दुल्ला उसको ऐड कर रहा था इस तरफ जो सेटअप था उसको सरदार इब्राहिम खान एक जो आज़ाद कश्मीर का पहला फाउंडर प्रेजिडेंट है वो उसको ऐड कर रहा था तो इनके इर्द गिर्द फिर लोग थे इन ये तो दो पर्सनालिटीज़ थी लेकिन इनके इर्द गिर्द बहुत दुनिया थी एक पूरे लॉबीज थी पूरे ग्रुप्स थे और वो अपने अपने एक माइंड सेट का जो है वो रिफ्लेक्शन थे मसलन शेख साहब का शेख अब्दुल्ला जो उस तरफ था तो उसका वो तो एक नाउन किस्म का रेकग्नाइज किस्म का प्रोग्रेसिव आदमी था लेफ्टिस्ट था नाउन एंड रेकग्नाइज विदाउट एनी डाउट ठीक है अब उसके साथ जो लोग शामिल थे उसमें मोस्टली जो है जो आइडियालॉग थे या चोटी के जो नज़रिया साज थे वो पंडित थे पंडित नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बुनियादी रोल जो है उनका था उसके अलावा जो मुसलमान उसके साथ थे वो भी प्रोग्रेसिव और खुले जहन के मुसलमान थे आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी वाज लाइक दैट देयर वर अदर पीपल टू कंजर्वेटिव या राइट लीनिंग या इंडिया दुश्मन या इस तरह के लोग भी थे चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दैट वॉज ए मल्टाई जो क्लास पार्टी थी और मल्टाई एथनिक उसमें ग्रुप्स भी थे और मुख्तलिफ किस्म के नज़रिया के लोग भी थे लेकिन जो कोर लीडरशिप थी वो थी प्रोग्रेसिव तो उन्होंने उस प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक सेटअप कायम किया जिसके अंदर उन्होंने कुछ अपने प्रिविलेजेस लिए कुछ बारगेन की कुछ लिया दिया और ये सब करके तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उस तरफ इस तरफ जो है वो ज़ाहिर है कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना ऑल दो के सरदार इब्राहिम वाज ए लिबरल गाय ही वाज ए वेरी लिबरल गाय लेकिन उसके इर्द गिर्द 99% जो लोग थे दे वर वेरी हाईली कंजर्वेटिव और हाईली राइट लीनिंग फार राइट लोग थे तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनने दिया उन्होंने उसके भी पैर काट के तो उन्होंने उसको एक तरह का बेबस करके तो वहाँ एक शो पीस के तौर पर बिठा दिया कि ये हमारा जनाब आज़ादी का हीरो है जिसने ये इलाका आज़ाद कराया ही हैड नो पावर्स ही हैड नो जो है किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इस तरह की पावर्स नहीं थी तो अब जब इन्होंने ये बातें फिर यहाँ से नारे लगाने शुरू कर दिए आज़ादी के कि इधर हम तो आज़ाद हो चुके हालांकि देर वॉज़ नो डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट दिस इज़ ए फ्री सोसाइटी डॉक्यूमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड टू स्टार्ट विथ जिसमें लिखा होता है कि हम कौन हैं हमारे क्या हुकूक हैं तो वो उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि उसमें वो लिख ही नहीं सकते थे क्योंकि उस वक्त जिन लोगों ने उनको जो लोग उनको इन्फ्लुएंस करते थे दे वर फेंस सिटिंग टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन तो ताकि हम करें लेकिन उन्होंने एक ये किया कि उनको इस नारे पे लगा दिया फ्रॉम डे वन के बस नारे लगाओ जी कश्मीर आज़ाद करो अब वो नारा जो था उस वक्त हम तो नहीं थे ज़ाहिर है चूँकि हमारे हम दूसरी तीसरी नस्ल के लोग हैं लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग उनको ये कहते थे कि भाई साहब ये आज़ादी का आप जो नारा लगा रहे हैं ये आज़ादी वहाँ आपसे ज़्यादा है चूँकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आपसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है उनके राइट्स ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं दे ऑल दो उन्होंने इंडिया के साथ जो है वो एक्सेशन कर दिया है लेकिन उनको तो पूरे इख्तियार हासिल हैं उनके दफ़ा 370 के तहत और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत उनका कॉन्स्टिट्यूशन में सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे जो है ये कोई इस्लामाइजेशन का भी प्रोसेस नहीं है एक सेकुलर स्टेट है जिसके अंदर सारे लॉज हिंदू मुस्लिम मिक्स किस्म के तो यही आज़ादी होती है जी। और यही आज़ादी है जिसको बजाय आप इसको मांगने के उसको सपोर्ट करें कि भाई वो लोग आज़ाद हैं तो वी अप्रिशिएट देम एंड वी नीड द सेम राइट्स अपनी ज़बान से इनके अपने राइट्स का कभी एक हर्फ भी नहीं निकला
कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, देर इज़ नो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टिंग ओवर लिबर्टीज़, ओवर फंडामेंटल राइट्स और इवन ओवर डेमोक्रेटिक राइट्स। और उसके बाद वो चढ़ गए रोलर कोस्टर पे। रोलर कोस्टर क्या था? मिलिट्री की जो है वो इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स, जो कि पाकिस्तान में हुई बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में। जस्ट आफ्टर दैट इन 1958 में तो मार्शिला लगा, लेकिन जो प्रेजेंस थी, हैवी प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, वो 50s से शुरू हो गया था। इट वॉज हिडन बट दैट वॉज द पावर। तो उन्होंने जब मार्शिला डिक्लेयर करने शुरू की तो 30 साल तक तो पाकिस्तान में खुद पीपल दे डू नॉट हैव देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, दे डू नॉट हैव देयर फंडामेंटल राइट्स, दे डू नॉट हैव देयर सिविल लिबर्टीज, इवन दे डू नॉट हैव देयर इस्लामिक लॉ विच दे वर ऑलवेज क्राइंग फॉर, वो भी नहीं था उनको। जनरल जो है वो उनको दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी, कि जब ये इस्लाम का नारा लगाते थे तो जनरल कहते थे कि हम तो बहुत बड़े जो है वो लिबरल लोग हैं भाई, यहाँ कौन सा इस्लाम आ सकता है। और जब लोग जो है वो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते तो जनरल कहते इस्लाम जिंदाबाद, और इस मुल्क में दो चीज़ों को खतरा है, इस मुल्क को और दूसरा इस्लाम को। तो इस चक्कर में ये जो आज़ाद कश्मीरी हैं ये नारे मारते रहे उन लोगों की आज़ादी के जो उनसे 10,000 गुना ज़्यादा आज़ाद थे, और अपनी आज़ादी को उन्होंने लपेट के तो टेबल के अंदर रख दिया। अब ये प्रोसेस जो है वो 30 साल तक जारी रहा। इस दौरान एक बहुत बड़ा गैप पड़ा, और उससे ये जो गैप था उसमें बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट हुई मिलिट्री का। ये एक नंबर वन जो फोकस रहा है वो कश्मीर रहा है, एंड दे नेवर हाइड इट, वो छुपाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह की नाराज़गी है या राजीनामा है, दैट गोज़ थ्रू कश्मीर, दैट इज़ देयर वेल डिक्लेयर एंड वेल डिफाइंड पॉलिसी। तो उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए उन्होंने हर अरबा इस्तेमाल किया, जिसमें नंबर वन फाइनेंसिंग थी। फाइनेंसिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी राइट फ्राम द अरबन द पार्टीशन कैम्प। उन्होंने पैसे देने शुरू किए, वहाँ ग्रुप क्रिएट करने शुरू किए जिन्हें आज़ादी का नारा बगैर सोचे समझे आज़ादी होती क्या है। फिर उसमें चलते चलते आगे जाके तो उन्होंने वहाँ पे मिलिटेंसी क्रिएट की जो कि फुल फ्लैज अटैक थी आज़ादी पे। और ये जो है फाइनली जाके तो एंड अप हुई 5 अगस्त पे। ये क्यों हुआ कि जब आप एक मुल्क को इस तरीके से फोकस कर लें फुल टाइम, और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी का नुक्ता मास्का ये बन जाए जो उसका सेंट्रल पॉइंट है कि हमने एक आज़ाद जगह को मज़ीद आज़ाद कराना है और अपने लोगों की आज़ादियां हमने बहरहाल अपने पाँव के नीचे दबा के रखनी हैं, और उसी तरह आप लोग पहले क्या करें कि आपने एक एक इंडिविजुअल को भेजना शुरू किया कि तुम जाओ जाके लोगों को इंस्टिगेट करो, जासूसियां करो, लोगों को कहो कि भाई ये देखें आप लोग मुसलमान हैं और आप इंडिया के पाँव के नीचे क्यों बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने ग्रुपों को भेजना शुरू किया कि जाओ लोगों को ट्रेन करो। उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता मिलिट्री की सुपरविजन में ऑपरेशन किए, और इसी पे बस नहीं बल्कि जंगें भी लड़ी कि बाकायदा फौज कशी जो जंग है जी। उसका भी तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, और आपने टारगेट किया हुआ एक इलाका जिसको इंडिया ने उसके सारे हुकूक दे दिए कॉन्स्टिट्यूशनली एटलीस्ट, नॉट प्रैक्टिकली। और ये प्रैक्टिकली पूरे इंडिया में भी यही है। इंडिया में भी ये नहीं है कि ये डेमोक्रेसी हो गई तो बस हर आदमी को हक मिल गए। वहाँ भी ऐसी बहुत सारी इस वक्त तबकात हैं जो कि क्लास के हवाले से एक्सप्लाइटेड हैं, वहाँ पे इस वक्त लोग ज़ात के हवाले से एक्सप्लाइटेड हैं, वहाँ पे लोगों को जो है वो जस्टिस सिस्टम से शिकवा है, वहाँ पे लोगों को एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से सवालात हैं, वहाँ पे लोगों को जो है वो इक्वल राइट्स के हवाले से सवालात हैं, डिस्क्रिमिनेटोरी प्रैक्टिस के हवाले से हैं, रिश्वत शिवारस के हवाले से हैं। ज़ाहिर है दैट इज़ ए कंट्री ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड, तो उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होती हैं। लेकिन मैं कंपैरिजन करता हूँ कि कंपैरेटिवली तो बहरहाल कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहें ये होता है कि आपके जो भी ग्रीवेंसीज हैं उनको किसी न किसी तरीके से आपको सामने लाने का एक मौका मिलता है, विच वॉज नॉट द केस विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि आपके ग्रीवेंसीज हैं तो आप जुलूस निकालें, या आप सड़कों पे आएँ तो मिलिट्री रजीम्स जो थे जिनने मार्शल लॉ लगाए हुए थे वो आपको तशद्दुद करके माजूर कर देते थे, कई लोगों को जेलों में मार दिया, कई लोगों को किलों में तशद्दुद किया। तो ऑब्वियसली देर वॉज़ नो
کمپیریزن. لیکن اس میں جو پالیسی میکر تھے انہوں نے یہ کہا کہ چلیں اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ایک آکش قسم کا ایک پوسچر ہم نے بنایا ہوا ہے انڈین سب کنٹیننٹ میں, ایک تو اس کو سپورٹ ملتی ہے کہ بیکاز وی آر ایٹ آرڈز ود انڈیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو یہ کشمیری آزاد کشمیری ہیں ان کو رائٹ دینے کے بجائے ہم نے ایک لمبی باتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ نو نو من گھی اور نہ رادا ناچ. مس بشانی, آئی ایم گونا ہولڈ یور تار رائٹ دیئر. ویورز پلیز ٹو گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک. تھینک یو. Welcome back viewers, Ms. Bashani, we were still discussing the violence and the stuff that's still continuing in Kashmir. تو اس میں بات یہ کہہ رہا تھا نا کہ دیر ور سو مینی اریٹینٹ, اور یہ جو کہتے ہیں دوسرے کی آنکھ میں انگلی, سو دیر واز اے مستقل انگلی جو ہے نا انڈیا کی آنکھ میں انہوں نے رکھی, جو پچھلی نسل میں آپ کو بات کر رہا ہوں اپ ٹو دا ملیٹنسی. ملیٹنسی واز فل اٹیک, اور پھر جب ہم لوگوں کا اس میں دور آیا اس کے بعد کا یعنی پوسٹ ملیٹنسی, تو ہم نے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ بات کی, یہ جو آزادی کی بات کرتے تھے, اور ان کو بڑے جو ہے وہ اے بی سی سے لے کے سمجھایا کہ آزادی کیا ہوتی ہے, اور اگر آزادی یہی ہوتی ہے تو پھر آزادی وہاں زیادہ ہے ہماری نسبت, تو ادھر انگلی مت کرو, ادھر مانگو جہاں نہیں ہے جی. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے جاری رکھا بندوق کی جگہ پر پتھر, پتھر کی جگہ پر ڈنڈا, اور اس کے نتیجے میں جو ریجیم چینج ہوا انڈیا کے اندر, اور انڈیا کی جو پچھلی جنریشن تھی جو ہائی پروفائل لیڈر تھے وہ ڈیفرنٹلی اس کو دیکھتے تھے. ایک نئی لیڈرشپ جب آئی تو انہوں نے ایک سٹینس جو لیا مودی صاحب کی قیادت میں دیٹ واز ڈراسٹک, تو انہوں نے ٹیٹ فار ٹیٹ کا فارمولا یوز کیا کہ یہ کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے, اور انہوں نے کر دیا. اب اس کے بعد بھی ہم کہتے رہے, اس کے بعد بھی دیکھیں یہ پھر جو دوسری غلطی ہے جس کی وجہ سے اتنی رام کہانی لمبی میں نے بیان کی, کہ اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اب آپ انڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, دعوے سے کہتا ہوں میں نے یہیں بیٹھ کے کہا کہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, چونکہ آپ لڑ نہیں سکتے, نہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ کے پاس لڑنے کے لیے وسائل ہیں, فوج کشی آپ نہیں کر سکتے جی. اف یو کین ڈیفینڈ یور سیلف دیٹ وڈ بی اے بگ ڈیل, لیٹ الاؤن کہ آپ فوج کشی کر کے تو کشمیر کو جو کچھ ہوا ہے اس کو انڈو کرائیں مودی صاحب سے. سو فارگیٹ اباؤٹ اٹ, ڈونٹ ٹیل پیپل لائک دس, ڈونٹ میک دیم فول, ان کو بتی کے پیچھے مت لگاؤ, یہ ہم نے کہا. اور اس یہ تو ہم نے کہا نا جو ارباب اختیار ہیں جو رولنگ کلاس ہے ایلیٹ ہے, اور جو عام کشمیری ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہے بیچارہ اور اپنے آپ کو تھکا تھکا کر مار رہا ہے ایک یوز لیس قسم کی سٹرگل میں, اس کو یہ کہا کہ اب کچھ نہیں کر سکتے بھائی, آزاد کشمیر میں آپ راولاکوٹ سے مظفر آباد مارچ کر کے تو جموں کشمیر کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ انڈیا کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں, درمیان میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن پہ فوجیں بیٹھی, تو آپ یہ بیوقوفوں کی طرح لوگوں کو مت ضائع کریں, ان کے فیوچر سے مت کھیلیں, ان کا وقت مت برباد کریں یہ نعروں پہ لگا کے. آپ تو لیڈری آپ کو مل رہی ہے, کسی کو کچھ اور مٹیریل فائدہ بھی ہوگا, لیکن یہ عام آدمی جو ہے یہ جذباتی ہے, پلین ہے, سنسیئر ہے, اینڈ ہی از آؤٹ ٹو ڈو سم تھنگ, تو اس کو اس طریقے سے مت مس گائڈ کرو. میں نے دیکھا کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑا, چونکہ وہ جتنی ایکٹیویٹیز یعنی 47 سے شروع تھی وہ ایگزیکٹلی سیم لینگویج, یعنی ریاست جموں کشمیر کا تاریخ اور جغرافیہ بدل گیا, یعنی دس از اے ویری ویری بگ ورڈ کے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل گیا, لیکن ان کا راگ نہیں بدلا, ان کا راگ وہی ہے, نہیں جی کشمیر آزاد کرائیں گے, نہیں جی رائش ماری کرائیں گے, واٹ دا ہیل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, کس بات کی رائش ماری کراؤ گے.
अब जनाब एक नए रूप में ये लोग सामने आ रहे हैं और एक नए तरीका उनके जहन में आया है, और ये मैं इसी बार एक बार फिर दावे से कहता हूँ और ये ऑन कैमरा है कि अब ये वहाँ पे जो है वो सपोर्ट करेंगे यही फाइनेंशियल, और बच्चों को मरवाएंगे पत्थरों के ज़रिए, और इस तरीके से की दूसरी जो है वायलेंस है वो ह्यूमन राइट्स का डंडोरा पीटेंगे अपने बगल में जाके बगैर, कि अपने मुल्क में उनके मीडिया पे पूरी पाबंदी है, अपने मुल्क में जलसे जुलूसों पे पाबंदी है, अपने मुल्क पे आप हुकूमत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ लिखने और बोलने पे पाबंदी है, तो आप वहाँ पे जो है उनकी ज़बान खुलवाएंगे और उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है आप डिफेंड करेंगे। ये एक नया धोखा है जो फ्रेब मसलसल जिसको कहते हैं कंटिन्यू जो है फ्राड जो हो रहा है गुज़श्ता 70 साल से, इसलिए मैं इसको इतनी तफसील से बयान कर रहा हूँ कि इसमें फ्राड ये है, और ये एक वेल कैलकुलेटेड और एक बाकायदा सोची समझी बात है कि ये कुछ कर नहीं सकते, यानी दे कैन नॉट चेंज आइदर जो है वो जियोग्राफी और हिस्ट्री और एनी फिज़िकल जो चीज़ हो गई है जो मोदी साहब ने किया उसको। तो अब ये उसको जनाब जो है एक नए सिरे से उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वाई आई एम सो मच आई फील काइंड ऑफ जो है वो सारी अबाउट दिस, कि अब ये जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये बजाय इसके कि अपने आप को दुरुस्त करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं, देखें एक बाकायदा एक चीज़ होती है ना, जैसे हम एरोप्लेन पे बैठते हैं तो एयर होस्टेस हमें सिखाती है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो जाए तो बच्चे को मास्क लगाने से पहले ख़ुद लगाओ ताकि आप इस काबिल हो सको। एक आदमी जो है जो जब वो अपना घर दुरुस्त नहीं कर सकता, अपने बहन भाइयों की टेक केयर नहीं कर सकता, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको हज़ारों लोग ऐसे मिले होंगे जो अपना घर बार छोड़ के बच्चों को छोड़ के तो बाहर निकल जाते हैं सुनियासियों की तरह कि हम सोसाइटी की मदद कर रहे हैं, हालांकि कभी ऐसी हुआ नहीं अल्टीमेटली, चूँकि ज़िम्मेदारी का एहसास एक यूनिट से शुरू होता है जी। अब इन लोगों का यूनिट है आज़ाद कश्मीर जिसमें वो बसते हैं, जहाँ के वसाइल के वो मालिक होने चाहिए, जहाँ की डिसीजन मेकिंग में दे शुड बी द पार्ट एंड पार्सल, वहाँ की जो आज़ादियाँ हैं और सावरंटी है उसके लिए लड़ना ना सिर्फ उनका हक है बल्कि उनकी ज़िम्मेदारी है। और लड़ने से बराद में ये नहीं कहता कि पत्थर या डंडे उठा के किसी के पीछे भागना शुरू हो जाओ, मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ, और पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो पीसफुल अगर नहीं है तो दुनिया के किसी कोने में अब कोई ऐसी जदोजहद जो पीसफुल नहीं है, जिसमें वायलेंस है जिसमें तशद्दुद है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो एक पीसफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में जाने के बजाय एक बार फिर वो बच्चों को जमा करके तो पार की बातें कर रहे हैं कि जी पार की बात करेंगे, यानी इधर नहीं उधर देखो सरहद के उस पार। तो इस वजह से जो है ये एक मैं समझता हूँ कि एक नया धोखा शुरू हो रहा है जिसको उन सब लोगों को चाहिए कि वो इसको एक्सपोज करें जो इस बात को समझते हैं। तो इस रेफरेंस में ये जो बात आई थी कि ये प्लाट जो है अन कवर हुआ है या उन्होंने इसको अनअर्थ किया है, ये प्लाट एक्चुअली एक फ्यूचर का जो ब्लूप्रिंट है वो समझ लें कि एक्सपोज हो गया, ये फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। आपको ये जो सारी खामोशी नज़र आती है जी, इसके पीछे असल में यही मंसूबा है, चूँकि इन लोगों ने इतनी वायलेंस कर दी, इतना तशद्दुद कर दिया, इतना खून बहा दिया लोगों का, लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, उनको माजूर कर दिया, तो अब इनके चेहरे दागदार हैं, उससे खून की बदबू आती है। अब उसको ये वाश करने के लिए ये एक नया पैंतरा बदल रहे हैं कि नहीं जी हम तो बड़े पीसफुल नॉन वायलेंट किस्म के लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते और हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद हो रहा है, यानी जो विक्टम होड है उसको अपने आप को विक्टम बना के पेश करने का एक जो फार्मूला है नया, तो उसके तहत ये प्लाट जगह जगह पे बन रहे हैं। आज भी सरहद के इस तरफ आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं वो डेमोंस्ट्रेट कर रही हैं, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो जहाद की तबलीग कर रहे हैं सरेआम, वो आज भी उनका डायलाग वही है 50 साल पुराना कि हम इंडिया को नेस्तों में आबूद कर देंगे और मुसलमान है तो लड़ता है बेतेग और पता नहीं क्या हो जाएगा, जो कि बुनियादी तौर पे ख्याली बातें, ख्याली पलाव जिसको कहते हैं जी। तो इस ख्याली पलाव का नुकसान किसको होता है, हमारे बच्चों को जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, कि उनकी जो गुर्बत है, उनके जो मसाइब हैं, उनके जो रियल लाइफ इश्यूज़ हैं और उनको जो चैलेंजेस दरपेश हैं, ये 21वीं सदी में दुनिया कहाँ से कहाँ साइबर स्पेस और टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज और
आर्टिफिशियल जो है वो क्या कहते हैं इसको, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, तो उसको छोड़ के तो हम लोग जो हैं वो एक अजीब किस्म के मोहम्मद बिन कासम के ज़माने में रहते हैं कि हम दो चार घोड़ों पे बैठेंगे, सरहद क्रॉस करेंगे और हिंदुस्तान को वहाँ से ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगे। दिस इज़ द हाइट ऑफ फुलिशनेस, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये जो इन्होंने इस प्लाट को डिस्कवर किया, इनको ये देखना चाहिए कि ये बातें आम लोग करते हैं। दिस इज़ नॉट ए प्लाट, दिस इज़ नॉट ए सीक्रेट एनी मोर, दिस इज ए टॉक ऑफ द टाउन। और ये जो खामोशी इस तरफ आपको नज़र आ रही है उसके पीछे यही है, वरना वहाँ पे भी बड़ा एक जो है वो हंगामा इस पे खड़ा हो सकता था। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मिस्टर बशानी फॉर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन वेरी मच डिटेल। व्यूअर्स, वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। थैंक यू।